भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। आज जो है श्री हरि की छठी है, और छठी के लिए जो हम सारी व्यवस्था कर चुके हैं पहले ही, जितनी भी हमसे यथा संभव जितनी भी थी होनी थी हम कर सकते थे तो उतना हमने किया है। और सबसे पहले जो है पिताजी के वस्त्र तैयार हुए हैं। ये देखो, अगर सभी भक्तों ने ना अलग अलग कलर्स बताए थे पिताजी के, ऐसे बनाना, ये वाली ड्रेस बनाना, तो मैंने क्या करा, जितने भी कलर्स भक्तों ने बताए सबके कॉम्बिनेशन की एक ड्रेस बना दी थी। तो ये वाली ड्रेस जो है आज श्री हरि वो पिताजी को जो हम पहनाएंगे, ये वाले वस्त्र आज रात्रि में, क्योंकि बाबू की छठी के अवसर पर। ये श्री हरि का खिलौना है, उसी के जैसा मुटको सा। और श्री हरि के लिए वस्त्र ये वाली बनियानी जो है, क्योंकि हम छठी के जो बच्चे के कपड़े उठा के रखते हैं तो श्री हरि के भी जो हम उठा के रखेंगे ये बनियान है, और श्री हरि की ये वाली ड्रेस है। अब श्री हरि को जो है मैं पहना के फिर दिखाती हूँ। श्री हरि देखो ये हमारा बैठा है, और ये बाकी मेरी बच्चा पार्टी बैठी है। ये मेरे बाकी बच्चे जो हैं वो अभी बैठे हैं। राधेश्वर भी जो है अभी देखो, ये रहा राधेश्वर। दो दो शॉल उड़ा रखे हमने राधेश्वर को सर्दी की वजह से। और अभी जो है बाबू को मैं वस्त्र पहना के आपको दिखाती हूँ, और कुछ खाने पीने की व्यवस्था, कुछ मीठा बना रहे हैं क्योंकि आज बाबू को हम थोड़ा सा हल्का ही लाइट फूड खिलाएंगे। क्योंकि मैंने जब रुद्र नारायण मेरे पास आया था तो मैंने 6 महीने बाद उसको खाना पीना खिलाया था, जब तक दाल का पानी, चावल का पानी, ये सभी दूध वगैरह मैं पिलाती रही बाबू को। और श्री हरि के लिए भी एक दूध की बॉटल ले आए हम, जिससे कि हम उसको दूध पिलाएंगे अभी। बेटी मैं गोपी, मैं पोपी, मेरे लड्डू मैं गोपलू, मैं पोपलू। चलो ड्रेस उतार। नहीं नहीं कब पे पहनेगा मेरा बेटा? ऐसे गर्मियों में बिठा के रखो अच्छा लगे करेगा पहन के, ना सा राजा बेटा। मुंह ढक ले, मुंह ढक ले। जगन्नाथ, ओए जगन्नाथ, बेबी कुत्ता तुमको तब खुश हो गया? बिल्कुल ठीक आया बेटी के। ओए ओए, ये तो मेरा राजा बेटा। ठंड भी नहीं लगेगी टोपा पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोने का ओम बाबू को सब उसी में ही है, निकालना पड़ेगा। हाँ सोने का ओम भी उसी में है बाबू का। ऐसे कर सारे बाबू को यहाँ बिठा दे, क्योंकि तैयार हो गया है। और श्री हरि के लिए हमने जो है तागड़ी बनवाई है वो भी बांधेंगे आपको दिखाऊंगी, और गोल्ड का ओम श्री हरि के लिए जो है जगन्नाथ, और राधेश्वर के लिए भी सोने का ओम बना है, तो वो भी आपको आज ही जो है दोनों बच्चों को पहनाए जाएंगे। तो अभी देखो कैसे, देखो कैसे लाड कर रहा मैया के चिपका हुआ, देखो कितना मशरूम सा बना हुआ मेरी बेटी। नहीं बेटी, और आप सभी भक्तों को एक चीज और मैं बता दूं, रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में मैंने देखा मैं श्री हरि को ना बहुत तेज तेज के चिल्ला रही हूँ, क्या जगन्नाथ 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 ऐसे करके, वैभव जगन्नाथ की जैसे जगन्नाथ जगन्नाथ बाबू को आवाज लगा रही हूँ मैं श्री हरि। जबकि नाम जब मैंने सोचा था जब बाबू का, जब श्री हरि
आया भी नहीं था हमारे पास, आने की बात हुई थी तब से हम श्रीहरि ही बुलाते हैं, लेकिन अब से जो है मैं बाबू का जगन्नाथ बुलाया करूंगी। श्रीहरि तो बाबू का मुख्य नाम जो है, जो अब समझ लो कि हम पुकारेंगे नहीं, हम जगन्नाथ ही बुलाएंगे अब से बाबू को। जब से रात को मैं जगन्नाथ जगन्नाथ चिल्लाई जा रही हूँ, जगन्नाथ जगन्नाथ, तो ना अब से जो है मैं लड्डू को बोलूंगी जगन्नाथ। और मम्मी जो है मेरी बाबू के लिए हलवा बना रही है सबके लिए, भोजन तो अलग बनेगा ही, रात्रि में तैयारी होगी ही, लेकिन अभी वो मम्मी जो है हलवा बना रही है सबके लिए, थोड़ा सा मीठा मुंह हो सके क्योंकि छोटा बच्चा है ना अभी मेरा, इसीलिए। तो अभी मम्मी देखो एक मिनट में बना के ही लिया, देखो जल्दी से कटो, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा मीठा, हल्का सा मीठा, जैसे कि बच्चों के लिए हल्का हल्का मीठा। और ये मेरी बेटी को अभी हम देखो, देखो ये गुपलू सा कैसे मिले चिपका हुआ है, मेरी बेटी मेरा बच्चा। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। ओम है ये, श्री हरि का ओम है, ये राधेश्वर का ओम है, और ये तागड़ी है श्री हरि की। इसमें हमने जो चांदी के घुंघरू, अगर आपको पता वीडियो शेयर की थी तब हमने ये 7 घुंघरू चांदी के लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो चांदी के घुंघरू जरूर डालते हैं। श्री हरि के कमर पे हम जो ऐसे बांधेंगे, फिर ओम इतने धागे में करते हैं, डबल धागे में करियो, ठीक है। श्रीहरि का बड़े वाला जो है, हाँ बड़े वाला श्रीहरि का इसलिए है क्योंकि राधेश्वर का तो मैंने दिया है और ये बड़े वाला भक्त ने गिफ्ट किया है, तो उन्होंने स्पेशल श्रीहरि के लिए गिफ्ट किया है, तो वो श्रीहरि के लिए ही है ना श्रीहरि। चलो भाई चलो भाई, मैया पाछ ले तो भाई, 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 मैया मेरे पले छान कर लिए मेरे को, ठंडी में जुल्म कर लिए मे पे, श्री हरि के। देखो हमने तागड़ी पहना दी है, और जैसे महादेव की भी ना मैं बाबू की कच्छी के ऊपर हमेशा तागड़ी रखती थी, तो बाबू की भी कच्छी के ऊपर ही रहेगी हमेशा, ताकि चुभे ना। तागड़ी तो हमारे राजा बेटा ने अब पहन ली है, अब आओ बाबू जी, आओ आओ अब। अब ये जो है श्री हरि का ओम हमने धागे में डाल दिया है, नजर भी नहीं लगेगी बेटू को, काले धागे में हम जो पहनाएंगे ऐसे करके मेरी बेटी को करके। थोड़ा ऊपर उठो, इतना तो बहुत है ना, पकड़ के रखियो आगे से शरीर का, थोड़ा सा दबे ना बच्चे का गला। पकड़ रखा है ना, ठीक है। बेटा राजा बेटा छिहली जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ, ठीक है ना। बहुत सुंदर धागा कैंची चाहिए में कट करने के लिए पीछे से कैंची। अब श्री हरि ने देखो पहन लिया है, और ये बेटी ने टोपी भी लगा ली है, ये देखो सुंदर बेटा ने टोपी भी लगा ली है। अब बाबू को बिठाएंगे, दूध की बॉटल। अब जो है देखो हलवा बनाया है मंदिर में, हमने अपने माता पिताजी के लिए पहले ही रख दिया है। मिठाई भी जो है भक्त लेकर आए थे अभी एकदम से ही, तो मिठाई भी देखो आ गई। दूध बच्चों को अभी, भोजन की अलग व्यवस्था है। ये श्री हरि की दूध की बोतल है, जिसमें उसको क्योंकि अभी छोटा है तो काफी थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाना पड़ता है, तो उसके लिए एक बोतल हो गई है, क्योंकि छोटे बच्चे की ज्यादा केयरिंग करनी पड़ती है। असल श्री हरि की छठी है, तो सबसे पहले किसको दूध पिलाएंगे हम, श्री हरि को। अले भाई हैंकी हैंकी हैंकी,
जाओ भाई लुक जाओ भाई लुक जाओ भाई, ये मेरे बेटे के तो अंदर तक ही डूडू डूडू चला गया भाई। आम छे पियो भाई, आम छे पीना है। अभी बाबू को बताइए और मैं एकदम से पी लूं सारा का सारा दूध। जो जगन्नाथ है हमारे, उसकी छठी जो हमने बना ली है, जैसे भी छोटा हमसे प्रोग्राम, जैसे भी हम घर में कर सकते थे वही सहयोग से किया है। और भोजन अभी तैयार हो रहा है। अब देखो सब बच्चे, ये महाराज जी अपनी दूध की बोतल लिए बैठे और बाकी सब भी जो है खा रहे हैं। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।